गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक बार चर्चा कर रहे हैं सुनामी चैप्टर के बारे में। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? सुनामी का पार्ट फर्स्ट चल रहा है। सुनामी सुनामी नामक चैप्टर जो है उसका हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करना है। आई थिंक आज हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर पाएंगे, देखते हैं। आल्मस मदर एंड आंट्स, आल्मास मदर एंड आंट्स, उसके माताजी और चाची, स्टूड क्लीनिंग CLINGING क्लीनिंग यानी होता है कसकर पकड़ना, क्लीनिंग स्टूड क्लीनिंग यानी कसकर के पकड़ी हुई थी। ऑफ द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्रीज टू द लीव्स यानी पत्तियां, टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्रीज, कोकोनट ट्रीज। आल्मस मदर एंड आंट स्टूड क्लीनिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्रीज, लीव्स ऑफ कोकोनट ट्रीज, कोकोनट की पेड़ की पत्तियों को बहुत कस के पकड़ी हुई थी। एंड क्लीन आउट और टू हर, कॉलिंग आउट टू हर, एंड कॉलिंग आउट टू हर, और उनको आवाज लगा रही थी। एंड कॉलिंग आउट टू हर, वो उनको पुकार रही थी। एक लहर अपरूटेड यानी जड़ सहित उखाड़ देना, ए वेव अपरूटेड, जड़ सहित उखाड़ दिया द ट्री, अपरूटेड द ट्री, पेड़ को जड़ सहित उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वे सब के सब बह गई, वॉश्ड अवे यानी बह गई, धुल गई, बह गई। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जब आल्मस और उसकी चाची की ने नारियल के पेड़ की पत्तियों को कस करके पकड़ा हुआ था, ए वेव अप्रूटेड द ट्री, एक लहर जो आती है, अप्रूटेड यानी निकाल दिया, जड़ सहित एक पेड़ को उखाड़ दिया, एंड और वे बह गई, क्या हो गई, एंड दे टू वर वॉश्ड अवे का मतलब हो गया बह गई। आल्मस सा ए लॉग ऑफ वुड, आल्मस सा ए लॉग यानी होता लट्ठा, लकड़ी का जो लट्ठा होता है, लॉग ऑफ, आल्मस सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग एक लकड़ी का लट्ठा उसको बहता हुआ दिखाई दिया। वुड लॉग वुड यानी लकड़ी का लट्ठा, फ्लोटिंग यानी बहते हुए, सा यानी दिखाई दिया। सी क्लाइम्ड ऑन इट वह उस लकड़ी के लट्ठे के ऊपर चढ़ जाती है, उसके ऊपर बैठ जाती है। Then she fainted. तभी वो बेहोश हो जाती है, fainted यानी होश नहीं रहता, बेहोश हो जाती है, fainted. When she woke up, और जब उसको होश आता, when she woke up, या वो जगती है, she was in a hospital, तो वह अपने आप को एक अस्पताल में पाती है। अस्पताल कहाँ का था, इन कमोर्टा,
इन कमोर्टो, कमोर्टा के अस्पताल में अपने आप को पाती है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्राउट, फ्रॉम देयर शी वॉज, फ्रॉम देयर शी वॉज ब्राउट, फ्रॉम देयर शी वॉज ब्राउट टू पोर्ट ब्लेयर, टू पोर्ट ब्लेयर। वहां से उसको कहां लाया गया? पोर्ट ब्लेयर लाया गया। जब वह अपने आप को कमारता के हॉस्पिटल में पाती है, फ्रॉम देयर शी वॉज ब्राउट टू पोर्ट ब्लेयर, वहां से उसको कहां लाया गया? पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल्स डज नॉट वॉन्ट टू टॉक, द लिटिल गर्ल does not to talk, वह छोटी सी लड़की बात नहीं करना चाहती थी, does not want to talk about the incident, about the incident, वह उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी with anyone, किसी के साथ भी, with anyone, वह उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती। She is still traumatized, T-R-A-U-M-A, traumatized, she is still traumatized, क्योंकि अभी वो सदमे में थी। traumatized का मतलब होता है सदमे में होना, सदमे में होना। she is still traumatized, क्योंकि अभी वो सदमे में थी, अभी वो सदमे से बाहर निकल पा नहीं पा रहे थे। एक बार चेक करते, Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of coconut trees. Alma's और उसकी चाची coconut पेड़, नारियल के पेड़ की पत्तियों को कस करके पकड़े हुए थे, and calling out to her, और उनको पुकार रही थी कि a wave uprooted a tree, कि एक बहुत भारी जो लहर है उसने पेड़ को जड़ सहित उखाड़ दिया है, and they too were washed away, और वे भी बह गई। Almas saw a log wood of floating. Almas ने एक लकड़ी के लट को बहते हुए देखा। She climbed on it, वह उसके ऊपर चढ़ जाती है। Then she fainted, और वो बेहोश हो जाती है। When she woke up, she was in a hospital in Kamartha. जब उसको होश आया तो वह कमारता के हॉस्पिटल में थी। From there she was brought to the Port Blair. फिर वहां से उसको Port Blair लाया गया। And the little girl does not talk to about the incident. वह छोटी सी लड़की उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी with anyone, and she is still traumatized. वह अभी सदमे में है, अर्थात वह अभी सदमे से बाहर नहीं निकली है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपका ये फर्स्ट पार्ट जो है उसका कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले इसके कुछ से whether the following are true or false, कुछ वाक्य हैं जिनको ट्रू और फॉल्स हमको बताना है। कॉम्प्रिहेंशन चेक, इसमें आपको क्या करना है, इसमें से कुछ सेंटेंस जो है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है से वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, से whether say whether the following say whether the following are true or false, are true or false, निम्नांकित के बारे में कहिए कि ये सही है या गलत। इसके सामने आपके सामने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला वाक्य है, इग्नेसियस लॉस्ट हिज लाइफ,
आई जी एन ई पहला है, इग्नेशस आई जी एन आई, आई जी एन ई एस आई, आई जी एन ई एस आई ओ यूस इग्नेशस लॉस्ट हिज वाइफ, इग्नेशस ने अपनी पत्नी को खोया था, लॉस्ट हिज वाइफ, टू चिल्ड्रेन कोमा, हिज फादर इन लॉ, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ, एंड हिज ब्रदर इन लॉ या अपने साला ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी, इन द सुनामी, सुनामी के अंदर, इन द सुनामी कहने का मीनिंग क्या हुआ? पहली लाइन ये कह रही है इग्नेशस लॉस्ट हिज वाइफ, टू चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी, कि इग्नेशस ने सुनामी में अपनी पत्नी, अपने दो बच्चों, अपने ससुर और अपने साले को खोया था, फादर इन लॉ यानी ससुर, ब्रदर इन लॉ यानी साला, इन द सुनामी, क्या सुनामी में इन्होंने उनको खोया था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि उसने दो बच्चे जो उसके पास थे वो बच गए थे, उसकी पत्नी बह गई थी, उसके नाना और उसके मामा के साथ जो बच्चे थे वो बह गए थे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये वाक्य ट्रू है तो इसका आंसर बन जाएगा ट्रू, क्या बन जाएगा ट्रू। इसी प्रकार से हम दूसरा जो सेंटेंस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा इसमें जो सेंटेंस कह रहा है, संजीव मेड इट ए सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, संजीव जो पुलिस वाला था, संजीव मेड इट टू सेफ्टी, टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, आफ्टर द सुनामी। तो इसका आंसर बनेगा, क्योंकि ये तो गलत है, वो तो सुनामी में बह गया था, सेफ कहाँ रहेगा। ये कह रहा है संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, सुनामी के बाद संजीव सुरक्षित था, सेफ था। नो, वो तो उसकी जो पत्नी थी उसके रसोई की जॉन की उसको बचाने के लिए जैसे लहर में कूदा था वो भी बह गया था, तो वो सेफ नहीं था, तो ये फॉल्स हो गया। तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, मेघना वॉज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर, मेघना वॉज सेव्ड बाय ए रिलीफ, आर ई एल आई एफ, रिलीफ आर ई एल आई एफ, रिलीफ हेलीकॉप्टर, इसको एक रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया था। मेघना वॉज सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर, मेघना को एक रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाया गया था, बिल्कुल नहीं, एक लहर आई थी उसने उसको धक्का मारा, जिससे वो कहाँ आ गई थी, किनारे पे आ गई थी, उसके बाद में वो बदहास वहां घूम रही थी, तो ये बात भी फॉल्स हो गई है। अब देखो दो सेंटेंस के और है, उनकी और बात करते हैं हम सबसे पहले, फिर हम देखेंगे हाँ जी। तो अब आप देखते हैं चौथा नंबर का जो सेंटेंस है, आलमस फादर रियलाइज्ड, फोर्थ वाला, एल्मस फादर रियलाइज्ड, एल्मस के पिताजी को रियलाइज महसूस हो गया था, एल्मस फादर रियलाइज्ड, आर ई ए रियलाइज्ड, आल्मस फादर आल्मस फादर
रियलाइज्ड, उसके पिताजी को महसूस हो गया था दैट ए सुनामी वॉज गोइंग, दैट ए सुनामी वॉज गोइंग, कि एक सुनामी आने वाली है, सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड, गोइंग टू हिट द आइलैंड, कि एक आलवस फादर रियलाइज दैट ए सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड, कि समुद्र का जो पानी है वो तट के ऊपर जोर से टक्कर मारने वाला है, तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, ऐसा उसको फील हो गया था, बिल्कुल उसको फील हो गया था, इसीलिए उसने क्या किया था, लोगों को जगा करके सेफ स्थान पर पहुंचाने का काम किया था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये बात सही थी, ट्रू हो जाएगा। पांचवा, हर मदर एंड आंट्स वर, हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे, उसके माताजी और चाची जी है वो बह गए थे, वॉश्ड अवे नहीं बह गए थे, विद द ट्री, विद द ट्री, पेड़ के साथ, विद द ट्री यानी पेड़ के साथ, विद द ट्री पेड़ के साथ, एंड दैट दे वर होल्डिंग ऑन इट, विद द ट्री दैट दे वुड, ट्री दैट दे, जिनको उन्होंने पकड़ा हुआ था, दे वर होल्ड ऑन इट, दे वर होल्ड ऑन इट, तो क्या उनकी चाची और उसकी माताजी जो है जिस पेड़ को होल्ड करके खड़ी हुई थी, पकड़ करके खड़ी हुई थी, वो पेड़ के साथ ही बह गई थी, ऐसा था, बिल्कुल सही है, उसकी चाची और उसकी माताजी हैं जिस पेड़ को उन्होंने पकड़ा हुआ था, वो लहर के साथ जड़ सहित उखड़ गया था और वो उसी के साथ बह गई थी, तो इसका भी आंसर क्या बन जाएगा, ये भी ट्रू बन जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये पांच ट्रू एंड फॉल्स के ऑप्शन थे, कितने ऑप्शन थे, देर आर फाइव ट्रू एंड फॉल्स ऑप्शंस। तो हमने देखा पहला, इग्नेशस लॉस्ट हिज वाइफ, टू चिल्ड्रेन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी, कि इग्नेशस सुनामी में अपने पत्नी दो बच्चों सहित अपने फादर इन लॉ यानी ससुर, ब्रदर इन लॉ यानी साले को सुनामी में खोया था, बिल्कुल सही बात है। इग्नेशस दो कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर था, जब उसने सुबह उठ करके उसकी पत्नी ने उसको जगाया 6 बजे की धरती हिल रही है, तो उन्होंने टीवी को नीचे रखा और बाहर दौड़ करके आए, इतने में एक लहर आती है और वो सारे के सारे जो मंजर है उनके आंखों के सामने होता है। फिर संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, क्या संजीव उस सुनामी में सुरक्षित बच पाया था, बिल्कुल नहीं बच पाया था, क्योंकि वो उसके जो रसोइये कुक की जो वाइफ थी, जॉन की वाइफ थी, उसकी आवाज सुनकर उसको बचाने के लिए जाता है, सुनामी की लहर आती है और वो दोनों उसमें बह जाते हैं, तो ये बात भी फॉल्स होती है, इसलिए फॉल्स आंसर आ जाएगा। मेघना वॉज सेव्ड बाई हेलीकॉप्टर, मेघना को हेलीकॉप्टर के द्वारा नहीं बचाया गया था, 11 बार हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजरा लेकिन हेलीकॉप्टर की नजर उस पर नहीं पड़ी, अचानक से एक लहर आई और उस लट्ठे पे जिसपे वो बैठी हुई थी उसको धक्का मारा और वो किनारे की तरफ आ गया, फिर मेघना उठ करके वहां से आई है, तो हेलीकॉप्टर के द्वारा उसको नहीं बचाया गया, इसलिए बात हो गई फॉल्स। यहाँ कहा गया कि इसको हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाया गया था। आलमस फादर रियलाइज दैट ए सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड, आलमस के पिताजी को एहसास हो गया था कि एक सुनामी जो है तट के ऊपर हिट करने वाली है, टक्कर मारने वाली है, इसीलिए तो उसने लोगों को जगाया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास किया, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए इसको ट्रू कर दिया। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे होल्ड ऑन इट, उसके माताजी और उसकी जो चाची है जिन्होंने उन पेड़ों को पकड़ा हुआ था कस करके, वो पेड़ों के साथ ही बह गई, बिल्कुल ये बात भी सही है, तो इसका आंसर भी क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, और ये जो है आपको एज ए होमवर्क, ये होमवर्क के रूप में करना है, कौन सा करना है, होमवर्क के रूप में, ये जो मैंने से वेदर 1 2 3 4 5 करवाए
या आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करने। थैंक यू वेरी मच।